और हनुमानगढ़ में रामलीला के आयोजन को लेकर गणेश चतुर्थी के मौके पर ध्वज पूजन किया गया है। पंडित प्रहलाद शास्त्री ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाकर भगवान श्री राम की जयकारी के साथ ध्वज पताका फहराई है। ध्वज पूजन के साथ ही सुप्रसिद्ध बाड़ी रामलीला की रिहर्सल और तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। और इस मौके पर अध्यक्ष सुमन कुमार ओझा और मंत्री हरदत्त सहनी, रामलीला कमेटी विजय शर्मा, कलाकारों ने विधिवत रूप से ध्वज पूजन किया है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुमन ओझा ने बताया है कि इस बार नए और पुराने कलाकारों का समावेश कर लीला का भव्य आयोजन किया जाएगा।